नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से निरंतर विवाह में विलंब, उनके कारण और निवारण के बारे में। आइए हम बतलाते हैं आपको आज कन्या लग्न के बारे में कि कन्या लग्न के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं विवाह में विलंब के। तो किसी लड़की की कुंडली यदि हो तब बृहस्पति का महत्वपूर्ण होना, बृहस्पति का बलवान होना जरूरी है। और यदि किसी लड़के की कुंडली हो अर्थात पुरुष की कुंडली हो तो उस कुंडली में शुक्र का बलवान होना बड़ा जरूरी है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सप्तम भाव में यदि बृहस्पति और शनि वक्री हो, शनि और राहु बैठ जाएं, तब भी विवाह में विलंब निश्चित रूप से होगा। आइए देखते हैं यह कुंडली क्या बोल रही है। तो सबसे पहली बात के लग्न का अधिपति ग्रह बुध है। बुध स्वयं शत्रु राशि में, दो केंद्र का अधिपति होकर के बुध शत्रु राशि में है। और जब लग्न का अधिपति, जीवन का अधिपति ही ग्रह बलवान नहीं हुआ तो अनसेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि दे देगा। आपका जो भी रिश्ता होगा, आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह संपूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाएगा, तो जिंदगी भर में अर्थात उस सुख में खटास आ जाएगी, वितृष्णा आ जाएगी। फिर दूसरा देखिए कि यह कुंडली सूर्य चंद्रमा लग्न तीनों से मंगली है। यह कुंडली मंगली है और मंगल जहां देखता है वहां जलाता है, आवेश देता है, क्रोधी बनाता है। इस कुंडली में आप देख लीजिए कि मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव ग्रस्त सुख का है, ग्रस्त सुख का सुख नहीं मिल पाएगा, ग्रस्त में जलन हो जाएगी। अर्थात वह रूम जहां पति पत्नी रहेंगे सिवाय कलह के, सिवाय बिना फालतू के क्लेश के कुछ और नहीं हो सकता। वह मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न अर्थात बुध को देखता है, यह कर्म का भाव है। और मंगल अपनी अष्टम दृष्टि, विशेष दृष्टि है चतुर्थ और अष्टम, उससे शनि को देखता है। शनि पेट्रोल का मालिक है, इनक्रेमेबल गुड्स का मालिक है, शीघ्र ज्वलनशील, और मंगल के अंदर अग्नि है। मंगल जहां देखेगा वहां ताप देगा। यह कर्म और यह उससे मिलने वाला फल, गेन कोई भी हो सकता है। आप अच्छे काम करें जिससे जो मिल जाए, और यहां पर बात करें ग्रस्त सुख की तो ग्रस्त सुख का गेन वहां मंगल उसको जलाने का काम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि मंगली कुंडली यदि हो तो बहुत सोच समझ करके शादी करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए, अन्यथा उस विवाह में अड़चने बहुत आती है और जिंदगी भर वह संतान सोचती रहेगी काश मेरे माता पिता ने कुछ सोचा होता, कुछ उपाय किए होते, कुंडली मिला करके विवाह किया होता तो मेरी जिंदगी अच्छी होती, ऐसी नरक के समान नहीं होती। अब आगे चलते हैं पंचम भाव, संतान का भाव। संतान के भाव का अधिपति ग्रह शनि है। शनि स्वयं शत्रु राशि में है और संतान को पुनः देख रहा है, संतान भाव को पुनः देखता है। बृहस्पति की दशम दृष्टि से वो बृहस्पति को भी देखता है और बृहस्पति सप्तम भाव का अधिपति है। सप्तम भाव अर्थात बृहस्पति, यह कुंडली एक लड़की की है इसलिए कुंडली के लिए, शादी के लिए यहाँ पर बृहस्पति की महत्वपूर्णता है, अर्थात बृहस्पति बलवान होना जरूरी है। लेकिन यहाँ बृहस्पति तो अष्टम स्थान में है, बृहस्पति केतु के साथ में है, राहु या केतु के साथ में होते ही चांडाल योग वाली स्थिति आ जाती है। और बृहस्पति जिस भाव का मालिक है उस भाव में भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह है। सूर्य, मंगल और बुध जिनके साथ में रहता है वैसा ही बर्ताव करता है, अर्थात बुध भी यहां पर पापी हो गया। तो सूर्य, मंगल, बुध और शनि की दृष्टि, यह तीनों ही मिलाकर के, चारों ही मिलाकर के बृहस्पति को यहां पर पाप प्रभाव में ला दिए और इसी कारण इस लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, विवाह में विलंब हो रहा है। तो अब स्थिति में प्रत्येक माता पिता यही पूछेंगे तो इसका उपाय क्या है, क्या करें कि जिससे इसकी शादी में आने वाली अड़चने, जो बाधाएं हम देख रहे हैं वो दूर हो जाए और ये लड़की ग्रस्त सुख को प्राप्त करें। तब ऐसी स्थिति में इनके परिजनों को चाहिए इस लड़की को सबसे पहले पुखराज पहनाएं। यहां पर लग्नेश बुध है इसलिए सर्वतोभद्र यंत्र, देवी का यंत्र है, उसकी पूजा करके देवी का ही मंत्र अर्थात पति प्राप्ति का मंत्र वह जाप करें। उसके पश्चात एक काम इसको और करना है कि यहाँ पर इस कुंडली में सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र, वो भी कमजोर है, वो भी बलहीन है, अपने परम शत्रु चंद्रमा के साथ में है और उसे शनि देख रहा है। शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होता है विषयोग होता है, विष का अर्थ अतः जहर जो कोई पीना नहीं चाहता। शुक्र भोग सुख का अधिपति ग्रह है और उसे शनि भी देखता है और चंद्रमा के साथ में है। ऐसी स्थिति में यह कुंडली स्वयं बतलाती है, यह कुंडली चीख चीख के बोलती है कि यहाँ पर विवाह में विलंब का कारण है और कुछ उपाय करने से वह विलंब राहत प्रदान कर सकते हैं, आपको शादी का सुख, ग्रस्त सुख दे सकते हैं।
आप अपनी कोई भी समस्या हो, चाहे विवाह की नहीं, कोई और भी समस्या है, निसंकोच पत्र द्वारा, फोन द्वारा, फैक्स द्वारा, ईमेल द्वारा हमें भेज सकते हैं। हम आपको आपके घर बैठे समस्या का निदान विश्लेषण अवश्य बतलाएंगे। एक बात और छोटी सी कि जब भी आप फोन करते हैं, अर्थात यह प्रोग्राम समाप्त होगा और आप फोन नंबर देख करके फोन करेंगे, तो मैं उस समय एक ही व्यक्ति से बात कर पाऊंगा और जो दूसरे लोग लाइन में हैं वो ये समझेंगे कि मैं फोन पे बात नहीं करना चाहता। इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आप मालूम कर लीजिए स्टाफ से, कोई भी ऑफिस से, और उसके अनुसार चलिए तो आपको आसानी रहेगी, सरलता रहेगी और आपको ऐसा भविष्य में कभी नहीं लगेगा कि हम आपको आपकी समस्या का उत्तर नहीं देना चाहते। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने जीवन को यूं ही महकाते रहिए। नमस्कार।